की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो आ गया. ये देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन में जिस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करना है. तो ये जो है आप स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें ये एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, इसका एडजेसेंट कार्बन एक ही इधर है, दो हाइड्रोजन एटम है, इसका एक एडजेसेंट कार्बन इधर है, तीन हाइड्रोजन एटम है, तो तीन और दो कितने हो गए, फाइव. और एक यहां पर ये जो हमारे पास में नीचे जो लगा हुआ है ये वाला कार्बन, इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन एटम है, तो टोटल दो यहां पर है, एक यहां पर है और तीन यहां पर है. तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्विंग सी एच बॉन्ड्स फॉर द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन आर फाइव, सिक्स हो जाएंगे. फाइव तो ये दिखाई दे रहे हैं और एक हाइड्रोजन हमारा जो है यहाँ पे नजर आ रहा है, ये तीन दो पांच और एक ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा. तो छह आंसर होना चाहिए इसका, छह मतलब सिक्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे और ऑफिशियल आंसर अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो वो भी सिक्स ही है. कुछ को लगता है कि हमें जितने भी अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं प्लस वन करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है. उसमें का मतलब हुआ आप इस स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड करो. इसके लिए कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमें बताना है, इस कार्बोकेटाइन के लिए कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो इसको एक्सक्लूड करके आंसर देना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इन एलीन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज आर, एलीन का स्ट्रक्चर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, सी एच टू डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू. तो इसमें जो मिडिल वाला कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज होगा और दोनों टर्मिनल कार्बन एटम जो होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे. तो sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो इसका हमारा आंसर आ जाएगा. एलीन में कोई भी कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता है, इसलिए ए और डी ऑप्शन ऐसे ही रूल आउट हो गए और सारे कार्बन जो है वो एक ही हाइब्रिडाइजेशन के नहीं होते. आप और वापस से देख सकते हो, जो विद्यामंदिर क्लासेस के बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग का जो मॉड्यूल है उसमें इसका एक 3D स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो इसका ऑफिशियल आंसर हमारा जो है आंसर बी हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड. ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हम कंप्लीट ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास में नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे. तो ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, हमें जहां डबल बॉन्ड दिखेगा उसको ब्रेक करेंगे, एक एक ओ दोनों साइड में लगा देंगे. तो यहां पर जैसे देखिए कि ये जो हमारे पास में डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करता हूं मैं ऐसे और एक ऑक्सीजन इधर लगा देता हूं तो ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. यहां पे एक सीएचओ ग्रुप लग जाएगा और इधर से भी एक सीएचओ ग्रुप लग जाएगा, तो ये वाला जो एक कंपाउंड बनेगा जिसमें थ्री कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, फर्स्ट और थर्ड पर सीएचओ ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, मतलब ये बन जाएगा हमारे पास में थ्री मिथाइल प्रोपेन 1,3 डाई एल बन गया. तो इसके अंदर ये जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास में दो एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसलिए ये काइरल नहीं हो सकता है. सिमिलरली इसको अगर देखेंगे तो यहां से भी ये सी एच ओ आ जाएगा, यहां से भी ये सी एच ओ आ जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कोई काइरल कार्बन एटम नहीं होगा और इधर से एसिटल्डिहाइड बनेगा. सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड इज जीरो. कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट नहीं बनेगा. टोटल जो है यहाँ पे चार प्रोडक्ट बनेंगे, 1, 2, 3, 4, तीन जगह से आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे. दो इसमें मतलब बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट हो गए ऐसे देखा जाए तो, चार प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स उनके जो है वो दो दो हो जाएंगे, तो जीरो आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज ए ऑप्शन. ये ऑफिशियल आंसर में भी ए ऑप्शन आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन प्योर फॉर्म इज आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. ऐसा जब भी होता है तो हमें जस्ट देख लेना चाहिए, स्पेशली साइक्लिक कंपाउंड्स के केसेस में, कि ये कहीं कोई एंटी एरोमेटिक है या नहीं है. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. तो या तो वो अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करके न्यू स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो इसमें देखिए ए ऑप्शन के अंदर जो है हमारा वो तो जस्ट हमारे पास में 4π इलेक्ट्रॉन है और क्लोज लूप नहीं है 4π इलेक्ट्रॉन का, सो इट कैन नॉट बी एंटी एरोमेटिक. बी ऑप्शन में 4π इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज लूप बन गया, सो इट इज एंटी एरोमेटिक, वेल नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है. नाउ सी ऑप्शन के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसकी वजह से इसका एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा और उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमारा कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इस कार्बन एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये 4π इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज लूप बन जाएगा. सो दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल, कांट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर. और इसके अंदर यही फिनोमेना जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये 6π इलेक्ट्रॉन का एक क्लोज लूप बन जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा. इट इज हाईली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड एग्जिस्ट ओनली इन दिस पोलर फॉर्म. तो ये अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो आप, एरोमेटिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया.
तो इसका आंसर जो है वो बी एंड सी आंसर हो जाएगा. चेक कर लेते हैं, दैट इज आंसर करेक्ट. बी एंड सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है. 2012 का पेपर टू का ये क्वेश्चन है. अब इसके अंदर हमें चेक करना है कि क्या प्रॉपर हमारा आंसर होगा. तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एन ओ पी एन क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एम इज करेक्ट. एम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. अब M को फिक्स करते हुए हमें N, O, P और Q को रिलेट करना है. तो यहाँ पर हमें जस्ट सबको एक ही टाइप के स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देख लेते हैं. तो यहाँ पे जो है मैं स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स, एक ही जैसे प्रोजेक्शंस बना लेते हैं. ये अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस बने हुए हैं. तो पहले मैं M का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, और M का जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो ये ऐसे एक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में गिवन है. और इस प्रोजेक्शंस में सो ये OH है यहाँ पर, और ये यहां पर H है, और ये Cl आ गया. ठीक है, यहां पे ये H है, ये OH है, और ये यहां पर CH3 आ गया. ये हमारा M है, ये फिक्स रहेगा. अब बाकी को हमें ड्रॉ करके इसके साथ रिलेट करना है. तो सेकंड स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसी टाइप के प्रोजेक्शंस में है. तो इसको जस्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर रिलेट कर लेते हैं कि क्या है. तो ये Cl आ गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये H हो गया, और ये यहाँ पे CH3 है. अब इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि ये जो है यहाँ पर अरेंजमेंट वाइज ऐसा नहीं. तो मैं अगर इसको रोटेट कर देता हूँ, इसमें एक एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर देता हूँ ऐसे, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से जो हमारे पास में न्यू स्ट्रक्चर आएगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, ऐसे अगर हम रोटेट कर देंगे तो H इधर चला जाएगा और OH इधर आ जाएगा, और ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये Cl भी ऐसे ही रहेगा, H इधर आ जाएगा और OH इधर चला जाएगा. तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, रोटेट करने से इसमें कोई चेंज नहीं होंगे. तो ये दोनों जो है हमारे, सॉरी, ये मैंने इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर दिया, तो Cl अब पीछे चला जाएगा और CH3 जो है वो सामने आ जाएगा. ये दोनों N ही है, सेम ही है. नाउ O का जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बना हुआ है, O के अंदर जो है वो बेसिकली इसका स्टेगर टाइप का कन्फॉर्मर बना हुआ है. तो इस स्टेगर टाइप के कन्फॉर्मर को हमें इक्लिप्स टाइप के कन्फॉर्मर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जिसके साथ हमें कंपेरिजन करना है उसका हमारे पास में ये दे रखा है. तो मैं क्या करूँगा कि इसको जो है Cl को बिलो दी प्लेन लेकर के आता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे रोटेट कर देना है. तो Cl को अगर बिलो दी प्लेन अगर हमें लेकर के आना है, तो ये Cl को बिलो दी प्लेन हम लेकर के आ गए, और ये हमारे पास में रोटेशन से कोई चेंज नहीं होगा. तो ये OH इधर आ गया है और ये H इधर आ गया और ये Cl बिलो दी प्लेन चला गया है. ये जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगा वो O का स्ट्रक्चर हो जाएगा. दोनों सेम है, बोथ आर फॉर O. अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें जो P गिवन है, P का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो P का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर गिवन है P के अंदर. तो P के अंदर हमारे पास में ये H है, ये OH है. ठीक है, P को जैसे गिवन है वैसे ही बना लेता हूँ मैं. तो ये हमारे पास में जो ग्रुप है उसके लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये H, ये OH और ये Cl है, और यहाँ पर ये OH है, ये H है, और ये CH3 है. तो अगेन जैसे उसको हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में रोटेट किया था, तो इसको भी राइट हैंड साइड में रोटेट करके हम एक अरेंजमेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो इस कार्बन को मैंने राइट हैंड साइड में रोटेट कर लिया है. तो राइट हैंड साइड में रोटेट करने से ये CH3 बिलो दी प्लेन चला गया है, और ये यहाँ पर जो हमारा H आ गया है, और इधर ये जो है वो क्या आ गया है, OH आ गया है. ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, एंड दैट इज फॉर P. इसमें बस वो एक
सर्कल बना रखा है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर और ये सोर्स प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया हुआ है. CS3 OH H और ये यहाँ पर OH है, ये H है और ये Cl है. अब अगेन इसको राइट हैंड साइड में रोटेट कर लेते हैं. तो ये OH और ये H है और ये Cl है, ठीक है. राइट हैंड साइड में हम रोटेट कर रहे हैं तो ये CS3 हमारा बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये H हो जाएगा और ये हमारे पास में इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा. ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है वो Q के लिए. अब इन सबको आप ध्यान से देख सकते हैं कि किसमें क्या क्या चेंजेस हुए. तो ये आइडेंटिकल की बात कर रहा है, ये एनेंचियोमर्स की बात कर रहा है, ये नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहा है. तो M हमारा फिक्स हो गया, अब इन सबको हमें रिलेट करना है. तो जैसे M और N को रिलेट कर लेते हैं पहले. तो इसके अंदर जो हमारे पास में ये जो काइरल कार्बोनेटम है, इसका अरेंजमेंट सेम है, बट ये जो काइरल कार्बोनेटम है, इस काइरल कार्बोनेटम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसके अंदर चेंज हो गया. देखो, इंटरचेंज कर दिया आपने, H इसमें राइट हैंड साइड के अंदर है, इसमें H लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है. तो इसका अलग सिर्फ एक ही काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिफर कर रहा है इसके अंदर. दो काइरल कार्बोनेटम है ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन एक ही काइरल कार्बोनेटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए ये इंडिकेट करेगा कि ये डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे. सो एम एंड एन आर डाइस्टीरियोमर्स, एंड डाइस्टीरियोमर्स जो होते हैं बेसिकली नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स. सो एम एंड एन आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस. अब M और O को हम देख लेते हैं. M और O को अगर आप देखेंगे तो ये इसका अरेंजमेंट और इसका अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम दिख रहा है. सो M एंड O आर आइडेंटिकल. सो M एंड O आर आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल है. फिर M और P की बात कर रहा है यहां पे. तो ये हमारे पास में M है और ये P है. तो M और P को अगर देखोगे तो यहां पे ये वाला जो मेरा काइरल कार्बोनेटम है, इसका कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया. इसमें H लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट साइड में, इसमें H लेफ्ट हैंड साइड में, OH राइट साइड में, इंटरचेंज कर दिया. सिंगल इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स अबाउट ए काइरल कार्बोनेटम विल चेंज इट्स कॉन्फ़िगरेशन. तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया और इस कार्बन को भी अगर देखोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो गया है, ठीक है. यहाँ पे भी इंटरचेंज हो गए हैं ग्रुप्स. तो यहाँ पे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ दी काइरल कार्बोनेटम, इसका मतलब ये तो एनेंचियोमर बन गए. सो एम एंड पी जो है वो एनेंचियोमर्स है. एम एंड पी आर एनेंचियोमर, दो काइरल कार्बोनेटम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया हमने, तो मिरर इमेज आइसोमर बन जाएगा. एम एंड पी आर एनेंचियोमर्स. अब एम और क्यू को रिलेट कर लेते हैं हम. M और Q को अगर देखते हैं तो ये हमारे पास में M है. M के अंदर क्या हुआ है कि M के अंदर इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है. OH और H की पोजीशंस इंटरचेंज हमने कर दी है, ठीक है, और इसकी पोजीशंस में कोई चेंज नहीं है. तो दो काइरल कार्बोनेटम है, एक ही काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है जैसे यहाँ पे. तो इसलिए ये जो M और Q है वो डाइस्टीरियोमर्स हैं. M and Q जो है वो डाइस्टीरियोमर्स है और M and N जो है वो भी डाइस्टीरियोमर्स है, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस. नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेजेस आर डाइस्टीरियोमर्स. तो अब आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होंगे. तो हमने ये देखा है कि M and N आर डाइस्टीरियोमर्स, दैट इज नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स, करेक्ट है. और M एंड O जो है वो बेसिकली आइडेंटिकल है, ये भी करेक्ट है. M एंड P जो है वो एनेंचियोमर्स हैं, ये भी करेक्ट है. हमें जो है गिवन करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं गिवन कंपाउंड्स के लिए. M एंड Q जो है हमारे अनुसार डाइस्टीरियोमर्स है, बट यहाँ लिखा आइडेंटिकल है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. तो इसका ऑफिशियल आंसर चेक कर लेते हैं क्या है. सो ऑफिशियल आंसर इज A, B एंड C और यही हमने ऑफिशियल आंसर्स भी चेक किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये 2013 के अंदर एक हमारा क्वेश्चन आ गया. इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटीज
of tert butyl cation and 2 butene respectively are. तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पर एक बेस्ड जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बता दिया था आपको एल्कीन के अंदर जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो सिग्मा सिग्मा स्टार कॉन्जुगेशन की वजह से डीलोकलाइजेशन की वजह से तो सिग्मा पाई स्टार डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है और कार्बोकेटाइन के अंदर जो है सिग्मा वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से होता है तो यहाँ पे सिग्मा पी एम टी एंड सिग्मा पाई स्टार इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की वजह से आ जाएगा. सो आई होप आपने पिछले वीडियो से कनेक्ट किया होगा. ठीक है, रिवाइज करिए और अगेन आपकी जो टेक्स्ट बुक है क्लास 11th की पार्ट 2 उसके फ्रंट पेज में बिल्कुल जो राइट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे देखिएगा एक फिगर बना हुआ है. उस फिगर के अंदर जो भी एक मैसेज है दैट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन और उस हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है दैट मूवमेंट इज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी. तो वो क्या है वो पूछना चाहता है तो वो ये हाइपर कॉन्जुगेशन है जिसका आंसर जो होगा वो ए होगा. चेक कर लेते हैं ऑफिशियल आंसर क्या है. दैट इज ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2014 पेपर 1. यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफॉर्मर्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड इज आर. तो ये कंपाउंड दिया हुआ है इसके स्टेबल कंफॉर्मर्स कितने होंगे जिनका नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है. तो अगेन देखिए आपने जो है सिलेबस को देखा होगा सिलेबस के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें डाइपोल मोमेंट का जिक्र किया गया था तो डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड ये जो है क्वेश्चन आ गया इसके लिए. तो यहाँ पे मदे अगेन जो है इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताने पड़ेंगे और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके ही हम क्लियर कर पाएंगे कि ये क्या है. तो मैं इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेता हूं. सो ये जो एक स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में एक क्लोरीन है और ये फिर ब्रोमीन है ये CH3 है और यहाँ पर ये ब्रोमीन है ये Cl है और ये CH3 है. सबसे पहले तो आप ये देखा करो कि ये जो भी हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है क्या ये जो एक प्रॉपर कन्वेंशन होता है रिप्रेजेंट करने का उस कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो जैसे हम नॉर्मली देखेंगे तो ये एक फिशर प्रोजेक्शन है बट ये प्रॉपर फिशर प्रोजेक्शन की जो फॉर्म होती है उसमें नहीं होती. फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग प्लेस करते हैं. तो ये उस फॉर्मेट में नहीं है तो हम इसको जो है उस फॉर्मेट में लाएंगे. उस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या होगा कि हमें इस कार्बन के ये जो ग्रुप्स है इनको इवन टाइम इंटरचेंज करना है. तो इनको इवन टाइम इंटरचेंज करेंगे तो क्या अरेंजमेंट होगा. इनको इवन टाइम अगर इंटरचेंज करेंगे तो जैसे पहले मैंने क्या किया Cl और CH3 को इंटरचेंज कर दिया तो ये CH3 यहाँ आ गया और Cl यहाँ आ गया. अब Cl और Br को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो Cl और Br इंटरचेंज होने से ये आ जाएगा. इसका हमने कुछ भी नहीं किया है तो ये अपनी पोजिशन पर ऐसे फिक्स ही रहेगा. तो ये हमारे पास में अरेंजमेंट आ गया. अब इस फिशर प्रोजेक्शन को अगर देखोगे तो इसमें कहीं पर भी कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही है. तो सिमेट्री नजर नहीं आ रही है इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अब इसमें सिमेट्री नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका मतलब इसके जितने भी कंफॉर्मर होंगे सारे कंफॉर्मर का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही होगा. डाइपोल मोमेंट जीरो तभी होता है जब मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री होती है और इसके जितने भी कंफॉर्मर होंगे सारे कंफॉर्मर ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे और किसी भी कंफॉर्मर में कोई सिमेट्री नहीं होगी इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता है. तो ये आ गया हमारे पास में. अब इसके अंदर अगर हम कंफॉर्मर इसके अगर बनाते हैं तो हम इसका जो है ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं. तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको. डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हम इस कार्बन के अबाउट जैसे ये C1 हो गया हमारा ये C2 हो गया ये C3 हो गया और ये C4 हो गया. तो C1, 2, 3, 4 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो मैंने ये दो कार्बन एटम ले लिए. इन दोनों कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में मैं इसके कन्फॉर्मर ड्रॉ करना चाहता हूँ. तो इन दोनों कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में हम इसके कन्फॉर्मर अगर ड्रॉ करेंगे तो दो टाइप के कन्फॉर्मर्स हो जाएंगे. इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मर. इक्लिप्स कन्फॉर्मर एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मर. इक्लिप्स कन्फॉर्मर के लिए क्या होगा कि ये हमने किसी एक कार्बन को फ्रंट कार्बन एटम कंसिडर कर लिया है
ठीक है, और ये हमारा जो है वो रियर कार्बन एटम को हम ऐसे डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। अब फ्रंट कार्बन के पास में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में तीन ग्रुप्स होंगे, ठीक है। फ्रंट कार्बन का मतलब ये C2 हो जाएगा, ये C2 जो है मेरा फ्रंट कार्बन एटम है, और C3 जो है वो रियर कार्बन एटम है। 2, 3 यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां पर मैं सपोज CH3 प्लेस कर देता हूं, ठीक, और किसी एक साइड में क्लोरीन और दूसरी साइड में ब्रोमीन प्लेस कर देता हूं, ठीक है। ये जितने भी कन्फॉर्मर बनेंगे यहाँ पे, ये सारे जो होंगे वो लेस स्टेबल कन्फॉर्मर होंगे, क्योंकि स्टेगर्ड जो होता है वो मोर स्टेबल होता है इक्लिप्स के रिस्पेक्ट में, स्टेगर्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अब इस CH3 को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब रियर कार्बन एटम के पास में भी एक Cl है, एक Br है और एक CH3 है, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास में तीन ऑप्शन है, या तो मैं CH3 प्लेस कर सकता हूँ, या Cl प्लेस कर सकता हूँ, या Br प्लेस कर सकता हूँ। इसका मतलब ऐसे ऐसे कितने स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, 3 इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर्स। आइडिया समझ में आया ना, मैं थोड़ा टाइम बचा रहा हूं। तो यहां पर क्या किया मैंने, अगर CH3 रख दिया तो फिर किसी एक साइड पर Cl और Br रख देंगे, उसका डाइपोल मोमेंट आप निकालिए। उसमें आपको हो सकता है, जैसे आपको भी मैंने यहाँ पे भी सीएल रख दिया, मैंने यहाँ पे भी बीआर रख दिया, कैसे होगा, नहीं। फिर वो अरेंजमेंट आपको कुछ ऐसा करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, वो सिमेट्रिकली रहेगा हमेशा इसके लिए, मतलब उसमें किसी टाइप की सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप से अरेंज करना है, जिसका यहाँ पे बीआर आएगा और यहाँ पे ये आएगा। तो ये हमने तीन पॉसिबिलिटी ले ली कि एक CH3 हो गया, तीनों ग्रुप एक जैसे नहीं होंगे, तीनों जैसे यहां CH3 लगा दिया, यहां पे BR लगा दोगे, यहां CL लगा दोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से तो ये तो एक टाइप का मीजो बन जाएगा। हम पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहे, हमने सिर्फ रोटेशन किया है इसके लिए यहां पे। तो ये आ गया। और ऐसे स्टेगर्ड को अगर हम देखेंगे तो स्टेगर्ड के अंदर भी हमारे पास में ये फ्रंट कार्बन एटम के ग्रुप्स का अरेंजमेंट हो गया और ये रियर कार्बन एटम के ग्रुप का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फ्रंट कार्बन एटम के अंदर अगर मैंने ऐसे फिक्स कर दिया CH3, ये इधर Cl आ गया और ये इधर Br आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको सारे स्ट्रक्चर्स जो लेकर के आने हैं वो इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स को रोटेट करके लाने, जैसे इसको अगर मैं बना देता हूं, इसको अगर मैं बनाता हूं तो ये मेरे पास में आ गया फ्रंट कार्बन एटम एज इट इज, इसको मैंने लिफ्ट कर लिया तो ये हो गया CH3, ये Br लेफ्ट हैंड साइड में है और Cl जो है राइट हैंड साइड के अंदर है। अब इधर जो भी मुझे बनाना है वो ग्रुप अगर प्लेस करना है, ठीक है, इसको भी हम ऐसे लिफ्ट कर लेते हैं, तो इसको अगर ऐसे लिफ्ट कर लेते हैं तो ये CH3 आ गया हमारा, और इधर जो वेरियस टाइप के ग्रुप्स हैं उनको हम इधर प्लेस कर लेते हैं। तो अब इस साइड में जो है हमारे पास में क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, और इस साइड में जो है क्या लगा हुआ है, Cl, ये ऐसा। अब इसको रोटेट करके आप वेरियस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे, तो यहां पे जो है मैंने ये CH3 प्लेस कर लिया और अब यहां पे जैसे तीन पॉसिबिलिटीज हुई तो यहां पे भी तीन पॉसिबिलिटीज होगी। ये तीनों स्टेगर्ड जो बनेंगे वो स्टेबल स्टेगर्ड बनेंगे और किसी के अंदर भी डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। तो देखिए यहां पे सपोज मैंने इसको रोटेट किया तो ये यहां CH3 आ गया, फिर ये यहां पे ब्रोमीन आ गया और ये क्लोरीन आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये जो है हमने यहाँ पे CH3 रख लिया है, रिमेंबर। अब आप रोटेट कर रहे हो तो रोटेट करोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये ऑलरेडी हमारे पास में क्लोरीन और ब्रोमीन यहाँ पर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमने CH3 हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। तो मेरे पास एक और आइडिया है जिसमें बिना ड्रॉ किए ही हम विजुलाइज कर सकते हैं, बट वो तभी होगा जब आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब इसको मैं फर्दर अगर रोटेट करता हूं तो यहां पे हमारा जो है Br आ जाएगा, इधर Cl आ जाएगा और इधर CH3 आ जाएगा। तो ये जो है स्ट्रक्चर्स बन गए। इन स्ट्रक्चर्स को आप नोटिस करिए, किसी का डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। ये एक हमें जो मिल गया यहाँ पे, इसका डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास में CL CL कैंसिल हो जाएगा, BR BR कैंसिल हो जाएगा, CH3 CH3 जो है वो कैंसिल हो गया। ये एक ऐसा मिल गया इसके अंदर जो है इसका डाइपोल मोमेंट हमें जीरो नजर आ रहा है, ठीक है। तो अरेंजमेंट में हमने कुछ मिस्टेक कर दिया होगा, क्या मिस्टेक किया होगा देख लेते हैं कि हमने इसको रोटेट किया तो CH3 यहां आ गया हमारे पास में और फिर ये CH3 यहां आ गया, ये BR यहां चला गया और ये CL यहां चला गया। और इसको हम यहाँ पे अरेंजमेंट जब करेंगे तो ये तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर्स विथ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स इज और आर।
तो ये जो मिस्टेक हो रही है बी आर सी एल और ये यहाँ पे सी एल और सी एस थ्री, तो हमने सही सही बनाया नहीं बनाया देख लीजिए, इस फ्रंट वाले को मैंने फिक्स कर लिया है सी एस थ्री सी एल। हाँ ये गड़बड़ जो है अभी यहाँ हो रही है कि ये जो है मेरे पास में इधर बी आर है और इधर जो है वो क्या है सी एल है, इसका नहीं बनाया मुझे, इसका बनाना है। ठीक है बेटा, इसको प्लीज़ थोड़ा सा वापस से देख लीजिए आप कि ये बी आर है और ये सी एल है, ये यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये मेरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के लिए मुझे ड्रॉ करने, तो मैंने फ्रंट को फिक्स रखा हुआ है सी एस थ्री सी एल और बी आर। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करने से सी एस थ्री और यहाँ पे बी आर और यहाँ पे सी एल, तो सी एस थ्री यहाँ पे बी आर और सी एल आ गया। अब इसको फर्दर जो है मैं 120 डिग्री के एंगल से रोटेट कर देता हूँ, तो 120 डिग्री के एंगल से रोटेट करूँगा तो अब ये सी एस थ्री यहाँ आ जाएगा, बी आर यहाँ आ जाएगा और सी एल यहाँ आ जाएगा, तो ये सी एस थ्री हो गया, ये बी आर हो गया और ये सी एल हो गया। अब इसको फर्दर मैं 120 डिग्री के एंगल से रोटेट करूँगा तो सी एस थ्री यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी एस थ्री हमारा जो है सही जगह मैंने बनाया नहीं है, सी एस थ्री जो है मेरा यहाँ आ जाएगा इसको रोटेट करने से। ठीक है, और बी आर जो है वो यहाँ आएगा और सी एल जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। या दूसरा आइडिया ये है कि ये आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये आपने फिक्स कर दिया, अब सी एस थ्री के अपोजिट में बी आर रखिए, सी एस थ्री के अपोजिट में सी एल रखिए, सी एस थ्री के अपोजिट में सी एस थ्री रखिए, तो सी एस थ्री के अपोजिट में बी आर हो गया, सी एस थ्री के अपोजिट में सी एस थ्री हो गया, सी एस थ्री के अपोजिट में सी एल हो गया। ये ऐसे तीन ही स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और हमें कहीं पे भी कोई सिमेट्री नहीं देने आने देनी है इसमें, क्योंकि इसमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कभी कोई सिमेट्री नहीं आएगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कभी भी कोई सिमेट्री नहीं आएगी। तो जैसे ये जो मैंने इक्लिप्स बनाया यहाँ पे, वो इक्लिप्स भी अगर मैं उसी फॉर्म में अगर बना देता हूँ तो ये बी आर हो गया है और ये क्या हो गया है सी एल हो गया, यहाँ पे ये ब्रोमीन है और यहाँ पे ये क्या है क्लोरीन है। अब उसके बेसिस पे आपको ये वेरियस ग्रुप्स को प्लेस करना है, तो आपने सी एस थ्री भी अगर यहाँ प्लेस कर दिया है तो इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इन सब का डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। देखिए यहाँ पे सी एल सी एल कैंसिल हो जाएगा, सी एस थ्री बी आर और सी एस थ्री बी आर कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे जो है हमारा सी एल बी आर कैंसिल नहीं होगा, सी एस थ्री का जो बॉन्ड मोमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो बी आर का कैंसिल हो जाएगा लेकिन सी एस थ्री सी एल और सी एस थ्री सी एल का कैंसिल नहीं होगा। तो टोटल मेरा जो आइडिया था इसमें कि टोटल 6 कन्फर्मर बनेंगे, 3 इक्लिप्स बनेंगे और 3 स्टैगर्ड बनेंगे, और जो तीनों स्टैगर्ड बनेंगे उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा और वो स्टेबल होगा, ये आइडिया था बेसिकली। बस स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, स्ट्रक्चर जो विजुलाइज किया था उसको यहाँ ड्रॉ नहीं किया था, इसलिए आपको लगा था इसका तो जीरो आ गया, तो फिर मैंने उसमें अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया और फिर आपको वापस से बता दिया। तो आप देखिए कहीं पे भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है और जीरो नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 3 आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, ये आंसर 3 है, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आइस 2014 का पेपर 2 है, इसके अंदर कह रहा है कि आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन द फिगर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन ब्रांचिंग, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब ब्रांचिंग कम हो जाएगी, सो ब्रांचिंग इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो यहाँ पे जो हमारे पास में फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें देखिए कि एक कार्बन के पास मैक्सिमम पॉसिबल ब्रांचिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरे कंपाउंड में 2 ब्रांचिंग है, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है बाकी 2 से ज्यादा होगा, इसके अंदर 1 ब्रांचिंग है और इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट 3rd का होगा, देन 2nd का, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 1st का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन जो नजर आ रहा है 3rd, 2 and 1, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या, ये बी ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में, इस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन एग्जिस्ट फॉर एम, एम के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए एम के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं किस टाइप की स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकती है, वो है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल टाइप की। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं पे भी कोई स्टीरियोजेनिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्टीरियोजेनिक कार्बन एटम है, ये कार्बन जो है मेरा काइरल कार्बन एटम है और ये वाला जो कार्बन है वो भी काइरल कार्बन एटम है। तो जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें एक रिस्ट्रिक्शन होता है, आप जितने काइरल सेंटर सोच रहे हो जरूरी नहीं है कि हर एक काइरल सेंटर के रिस्पेक्ट में आप 2 अरेंजमेंट मॉलिक्यूल के सोच सकते हो आप।
तो इसके अंदर जो है हम देखेंगे तो ये जो हमारे पास में कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के अंदर एक डिफाइंड कॉन्फिगरेशन है कि ये जो रिंग का बॉन्ड है और ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये अबव द मॉलिक्यूलर प्लेन रहेगा। जो भी जिस प्लेन में ये कार्बन एटम लाई कर रहा है, जिस प्लेन में ये कार्बन एटम लाई कर रहा है उसके ऊपर ही हमेशा बनेगा। तो इसका मतलब आप अब और कोई नया अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते हो। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो डाउनवर्ड है और ये सी एस थ्री जो है डाउनवर्ड है, ये एक अरेंजमेंट बन गया। दूसरा इसकी मिरर इमेज बन जाएगा। अब मैं अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो फिर उसकी एक और मिरर इमेज पॉसिबल होगी। तो इसका कोई नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये ब्रिज बॉन्ड ऊपर की तरफ ही बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं रख सकते हो आप कि इस बॉन्ड को ऊपर बना लो और इसको नीचे ले जाओ सो दैट हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा आपका और एक और स्ट्रक्चर बना लोगे और फिर उसकी मिरर इमेज पॉसिबल होगी। नहीं, तो जब आपके पास में स्ट्रक्चरल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तो एक स्ट्रक्चर गिवन होगा और दूसरा उसकी मिरर इमेज होगी, ड्रास्टिकली नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर डिक्रीज हो जाएंगे। सो दिस कंपाउंड कैन एग्जिस्ट ओनली एज अ वन पेयर ऑफ एनेंशियोमर, सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, दो ही स्टीरियो आइसोमर्स इसके पॉसिबल होंगे। तो इसका ऑफिशियल आंसर हमारा 2E है, देख लेते हैं हम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये आ गया अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस व्हिच गिव्स टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट इज आर। तो इसके अंदर बेंजीन है और ए ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर एक ये टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है और इसको NaOC2H5 के साथ रिएक्ट मिक्स कर दिया बेंजीन के साथ। तो NaOC2H5 इज अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2, तो ये तो किसी ऑर्गेनिक हैलाइड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका इलिमिनेशन कर देगा। और यहाँ पे हमारे पास में कोई अगर रिएजेंट नहीं है जिससे फर्दर कोई एक न्यू कार्बोकेटाइन टाइप का बनता है, तो इसलिए इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे बेंजीन बेंजीन ही रहेगा और आइसोब्यूटीन का साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा, NaBr और इथेनॉल बन जाएगा। कहीं पे भी कोई भी जो है रिंग सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। रिंग सब्सटीट्यूशन के लिए हमें एटलीस्ट कोई एक एसिड टाइप का सब्सटेंस चाहिए होता है, वो लुइस एसिड हो सकता है, वो प्रोटिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन के अंदर अगर देखेंगे तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के लिए परफेक्ट सिचुएशन है। ये Cl बाहर जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, उसमें रीअरेंजमेंट होकर के टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग पे जाके अटैक कर जाएगा और टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा। सी ऑप्शन को अगर देखेंगे तो H2SO4 से H+ आएगा, उसका मार्कोनिकोव एडिशन होगा तो यहाँ पे लग जाएगा H और ये टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन गया। टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करेगा, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन होगी और टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अल्कोहल है और ये BF3 जो है वो लुइस एसिड है, इस अल्कोहल को कोऑर्डिनेट करेगा तो फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर OH बाहर चला जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसका रीअरेंजमेंट होकर के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और फिर वो बेंजीन पे अटैक कर जाएगा। तो इसके अंदर A के अलावा B, C और D तीनों से टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन प्रोड्यूस हो सकता है। तो आंसर को चेक करेंगे तो BCD जो है हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम 2017 पेपर 1 है यहाँ पे। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर, इस कंपाउंड का IUPAC नेम हमें चेक करना है। तो वेरी इजी, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हम दो वर्ड रूट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो अगर मैं सपोज ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्लूड करके अगर लेता हूं तो ये टॉलुइन टाइप का वर्ड रूट हो जाएगा, टॉलुइन टाइप का वर्ड रूट होगा। तो टॉलुइन टाइप का अगर वर्ड रूट अब मैं ले लेता हूं तो फिर यहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 क्लोरो टॉलुइन टाइप का एक नेम इसका हो सकता है, वी कैन यूज दिस वर्ड रूट। या फिर अगर मैं इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट को कंसिडर करता हूं तो वर्ड रूट सिंपल सा हमारे पास में बेंजीन होगा और ये दो जो है वो सब्सिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे। तो ये दो सब्सिट्यूएंट की तरह वर्क करेंगे तो नंबरिंग हमें अल्फाबेटिक इन दोनों को फिर सब्सिट्यूएंट लेना होगा, नंबरिंग हमें फिर मिथाइल और क्लोरो के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ से करनी होगी। तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे तो क्लोरो प्रेफर्ड ओवर मिथाइल, तो ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। सो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन एंड 4 क्लोरोटॉलिन आर दी एक्सपेक्टेड आंसर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल। तो दो IUPAC नेम इसके हो सकते हैं भूतार। अब इन दोनों में से कोई एक जो होगा पिन नेम होगा, पिन नेम का मतलब हो जाएगा प्रिफर्ड IUPAC नेम। सो इसके ऑफिशियल आंसर को देखोगे तो ए और बी दोनों कह रहे हैं कि इसके जो है IUPAC नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास में, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शंस इज आर। तो ये यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हमारा वो एक सिस ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन है और उसको Br2 के साथ क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जा रहा है। तो ये तो जो है हमारा ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। एंड रिमेम्बर एल्कीन पर जो एडिशन होता है वो स्टीरियोजेनिक हो सकता है, स्टीरियो स्पेसिफिक हो सकता है।
ठीक है, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड से आकर के लग सकते हैं, दोनों ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड से आकर के लग सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ कि कैसा होगा, किस टाइप का होगा, उसके बाद में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में, उस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर ट्रांस एल्कीन दे रखा है और इस ट्रांस एल्कीन पर ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। तो ब्रोमीन का ये जो एडिशन होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस, वो एक टाइप का ट्रांस एडिशन है, एंटी एडिशन है। तो ये जो ट्रांस एडिशन एंटी एडिशन का मतलब हो गया कि इस डबल बॉन्ड पे दो ब्रोमीन आएंगे बट अपोजिट साइड से आएंगे। एक ब्रोमीन अगर अबव द प्लेन आ रहा है तो दूसरा ब्रोमीन जो होगा वो बिलो द प्लेन आएगा। तो सपोज इस कार्बन का ब्रोमीन जो है वो अबव द प्लेन आ गया, तो इस कार्बन का ब्रोमीन जो है वो बिलो द प्लेन आएगा। नाउ अब यहां पर जो हमें देखा है कि हमने सोचा है कि इस कार्बन का ब्रोमीन जो है वो अबव द प्लेन आएगा, लेकिन कोई यहां पर श्योरिटी नहीं है कि इसी कार्बन का ब्रोमीन जो है अबव द प्लेन आएगा, क्योंकि ये एक टाइप का सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे और हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी ये हो गई कि यहाँ पर जो है ब्रोमीन बिलो द प्लेन आ रहा है, लेकिन इसका ब्रोमीन जो है फिर वो अबव द प्लेन आ रहा है। और ये हमारे पास में जो CH3 लगे रहेंगे, ये यहाँ पे CH3 अटैच्ड है और ये यहाँ पे CH3 अटैच्ड है, CH3 एंड CH3। चलिए अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देगी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई देने का मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो आइडेंटिकल है, ये दो प्रोडक्ट नहीं है, ये एक ही प्रोडक्ट है। तो यहां पे M, एक को M कहा जा रहा है और दूसरे को N कहा जा रहा है। सो दीज आर नॉट टू डिफरेंट कंपाउंड, बोथ आर सेम कंपाउंड, क्योंकि ये एनेंशियोमर्स नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हमारे पास में ये जो है वो सिस एल्कीन है, इस पे ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में। ये भी ट्रांस ही होगा, ब्रोमीन का एडिशन जो है मल्टीपल बॉन्ड के क्रॉस ट्रांस मैनर में ही होता है, तो ये भी ट्रांस एडिशन ही होगा। अब ये ट्रांस एडिशन के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो कार्बन स्केलेटन है डबल बॉन्ड का वो ऐसा ही रहेगा, बस अब यहाँ पे डबल बॉन्ड पर हमने CH3 के साथ साथ ब्रोमीन भी प्लेस कर देने हैं। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन आएगा वो अगर अबव द प्लेन आ रहा है तो फिर उसका ब्रोमीन जो है वो बिलो द प्लेन आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड से दोनों ब्रोमीन की एंट्री होगी इस मॉलिक्यूल में। एक ये स्ट्रक्चर बन गया और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया CH3 और ये भी CH3। अब इसका ब्रोमीन अगर बिलो द प्लेन आ रहा है तो फिर उसका ब्रोमीन जो है वो अबव द प्लेन आएगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों साइड से इनके आने की। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारा इस टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये डिफरेंट है और मिरर इमेज आइसोमर है, सो वी कॉल देम एज एनेंशियोमर्स। ये एनेंशियोमर्स हैं और ये यहाँ पे ओ एंड पी टाइप के हैं। अब हम रिलेट कर सकते हैं क्या है, तो हमारा ऑप्शन कहता है ओ एंड पी आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। नो, ओ एंड पी आर नॉट आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, ओ एंड पी आर एनेंशियोमर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी करेक्ट। फिर कह रहा है एम एन ओ एंड एन एन पी आर टू पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, एम एन ओ आर डाइस्टीरियोमर, एक दो काइरल कार्बन एटम है और उसमें से एक काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दूसरे काइरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। देखो हमने पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया, सिंगल चेंज किया, ऑड चेंज विल चेंज कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बेसिकली डाइस्टीरियोमर्स बन गए, एम एन ओ आर डाइस्टीरियोमर्स। सिमिलरली एन एन पी जो है वो भी डाइस्टीरियोमर्स ही होंगे, सो टू पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स, एम एन ओ एन 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 पी आर टू पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, एम एन ओ आर नॉट एनेंशियोमर्स, ओ एन पी आर एनेंशियोमर्स।
सो ऑन बी इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट. डी को अगर हम देखेंगे तो ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शंस. ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशंस इन बोथ द रिएक्शंस. तो ये इसके करेक्ट आंसर्स हो गए. ए इज नॉट करेक्ट, बी इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट एंड डी इज करेक्ट. तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑफिशियल आंसर जो है वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के लिए. बी एंड डी जो है एक्सपेक्टेड आंसर था हमारा और वही ऑफिशियल आंसर है. 2017 में एक और क्वेश्चन हमें मिल रहा है यहाँ पे, और अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज आर. तो एक पहले भी आया था जिसमें ढूंढना था इम्प्योर कौन सा कंपाउंड है और फिर भी आ गया. तो देखिए ज्यादा डेविएशन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डेविएशन हुआ और वो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर डेविएशन हुआ, रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री में ही डेविएशन हुआ और कहीं पे भी नहीं हुआ. तो इसमें आपको अपने नोट्स को चेक करिए, उसमें आपको जैसे मैंने बताया है कि आपको ये ध्यान रखना है कि थ्री मेंबर रिंग कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा, फाइव मेंबर कब एरोमेटिक होगा, सिक्स मेंबर कब एरोमेटिक होगा, फोर मेंबर कब एरोमेटिक होगा, सेवन मेंबर कब एरोमेटिक होगा, एट मेंबर रिंग कंटेनिंग कंपाउंड कब एरोमेटिक होगा. तो ये सारे, तो देखिए ये जो है हमारे पास में एरोमेटिक नहीं है, ये तो साइक्लोक्टा टेट्राइन है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है, टब शेप में एग्जिस्ट करता है. ये जो है एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और ये तो सिंपल सा नॉट एरोमेटिक टाइप की कैटेगरी में आएगा, ये भी एरोमेटिक हो गया. ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया और ये एरोमेटिक हो गया हमारे पास में. इसमें एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, सो इट इज एरोमेटिक, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. और यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग दिख रही है हमें, ये बेंजीन रिंग दिख रही है. ठीक है, और इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें तीनों रिंग जो है बेंजीन रिंग की फॉर्म में हो सकती है. ये फिनेन्थ्रीन है, सो फिनेन्थ्रीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है. तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो फर्स्ट रो के अंदर हमें दो एरोमेटिक मिल गए, ये एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है. और सेकेंड रो को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर भी हमें तीन एरोमेटिक मिल गए, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है. तो टोटल फाइव एरोमेटिक कंपाउंड्स आ गए और वो ऑप्शन हमारा फाइव भी कह रहा है. नाउ 2018 के अंदर ये एक बड़ा अजीब सा, मतलब बहुत डरावना सा क्वेश्चन आ गया. फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स. तो इस कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हमें फाइंड आउट करने हैं. और इन ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, और रेस्ट्रिक्शंस ये है कि ये जो बॉन्ड यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट्स दैट द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड. इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा. और ये जो यहाँ पे एक वेवी टाइप का बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इंडिकेट दैट द कॉन्फिगरेशन एट द स्पेसिफिक कार्बन एंड द ज्योमेट्री ऑफ द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड. तो अब मैं जो स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा वो स्ट्रक्चर्स एक तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में चेंजेस को कंसिडर करके, तो दो चेंजेस हो सकते हैं, बिलो द प्लेन हो सकता है, अबव द प्लेन हो सकता है. इसके रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दो चेंजेस हो सकते हैं, सिस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है. इसके रेस्पेक्ट में बना सकते हैं कि ये जो है OH अबव द प्लेन हो सकता है और OH बिलो द प्लेन हो सकता है. तो इसके अंदर हमारे पास में तीन हमें स्टीरियो सेंटर नजर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2^3 टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं. और 2^3 टाइप के स्ट्रक्चर्स का मतलब हो गया 8 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. अब इनमें से आपको चूज करना है कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है. तो एक्सपेक्टेड है कि कोई एक स्ट्रक्चर जो है या दो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो सकते हैं. तो जैसे एक स्ट्रक्चर अगर मैं विजुलाइज करता हूं जिसमें मैं इसको अबव द प्लेन रखता हूं और इसको ट्रांस ही रखता हूं और इस OH को भी अबव द प्लेन ले आता हूं, तो फिर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी. तो फिर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बाकी किसी के अंदर सिमेट्री नहीं आएगी. तो मैंने आइडिया ये लगाया कि ये सब कुछ फिक्स है. ठीक है, यहाँ पे एक स्टीरियो मतलब सेंटर है, ये स्टीरियोजेनिक बॉन्ड है और ये एक स्टीरियो सेंटर है, तो टोटल इसके अंदर तीन स्टीरियो सेंटर है, तो तीन स्टीरियो, बाकी सब फिक्स है, मान लो है ही नहीं, तो फिर ये 2^3 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे. अब इनमें से हमें सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव पिकअप करने हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव पिकअप करने के लिए फिर वापस से आपको सोचना होगा कि ये फिक्स अरेंजमेंट है और यहाँ पे हमने कुछ अरेंजमेंट कंसिडर कर लिया है, बिकॉज ऑफ दैट कोई सिमेट्री एलिमेंट तो इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हो गया है. अगर सिमेट्री एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया है तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा. तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्या है. जैसे ये हमारे पास में पहले दो स्ट्रक्चर्स बने हुए, जैसे इसका आंसर 7 दिख रहा है यहाँ पे. तो ये जो दो क्योंकि 8 मैंने एक्सपेक्ट किए हैं और उसमें से एक मैं सोच सकता हूँ कि कोई हमारा वैसा होगा. तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए ये जो पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस पहले स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है हमें ये दिखाई दे रही है सिमेट्री. तो पहले स्ट्रक्चर के अंदर ही सिमेट्री दिखाई दे रही है. तो पहले स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूंगा तो इसमें देखिए कि ये अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है, ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है. एग्जैक्टली आपको
एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें हमने इसको सिस कह दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे कि ये बिलो द प्लेन चला गया, ये ट्रांस है और ये भी बिलो द प्लेन है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, अगेन इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं है, तो तीन यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आ गया, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये बिलो द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये ट्रांस है, कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे भी कोई सिमेट्री नहीं है, तो तीन वहां पर और दो यहाँ पे, फाइव, और ये दो स्ट्रक्चर्स मेरे पास में और है, इनके अंदर भी कहीं पे भी कोई सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए ये भी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो आइडिया सिंपल था, लेकिन थोड़ा जो जिस मॉलिक्यूल में ये आइडिया अप्लाई किया एग्जामिनर ने, वो थोड़ा बिगर साइज का मॉलिक्यूल है, और उसने जैसे एक सिलेबस में लिखा था कि हमें दो स्टीरियो, दो काइरल सेंटर के कंपाउंड्स के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस करना, लेकिन यहाँ पे वो दो से कुछ ज़्यादा ही चला गया और बड़ा डरावना सा मॉलिक्यूल लेकर के आ गया इसके लिए। तो यहाँ पे बस जो हमने, हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसने जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि आपको ये करना है, उससे जो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, उसको जस्ट चेक करना चाहता है, हमारा पेशेंस चेक करना चाहता है, हमारे आइडियाज चेक करना चाहता है, हमारी थिंकिंग को चेक करना चाहता है। तो कभी कभार जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें क्या रिवीजन करना है, किस टाइप से रिवीजन करना है। ये क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई एडवांस में जो एक इंपॉर्टेंट रोल है वो ये। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ये अच्छा लगा होगा वीडियो सेशन आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।